कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपये? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपये का होता है। हाँ, लेकिन वो काफी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफी बड़े। इंडिया के हैं, बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफी नाम है उनका यूट्यूबर में। अभी ये लड़का जिस यूट्यूबर की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा है। इस लड़के का कहना है कि इस लड़के ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स लिया था, लेकिन इस कोर्स से लड़के को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था। तो बाद में जब लड़के ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि इस कोर्स को आगे बेच दो। इसी को लेकर इन दोनों में अभी बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। और इधर डॉक्टर विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी के टीम पर लगातार वीडियो डिलीट करने का दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर संदीप महेश्वरी ने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग भी मिलकर मुझे नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी पर लगातार वीडियो डिलीट करने का दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने एम्प्लॉय को संदीप महेश्वरी के घर पर भी भेजा था। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन सही है और कौन गलत है? क्या संदीप महेश्वरी को वीडियो डिलीट कर देना चाहिए? जल्दी से कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।